वेलकम दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने लारावेल प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया था और आज की वीडियो में हम इसके डायरेक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, एक सेकेंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये रन कैसा होता है, जो हमारा जो लारावेल की जो एप्लीकेशन है, प्रोजेक्ट है, ये रन कैसे होता है। तो इसको रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, PHP आर्टिसन सर्व। अब जैसे ही करोगे तो ये आपका एक पोर्ट दे देता है 800 8000, तो ये इस पर स्टार्ट हो जाता है। तो PHP आर्टिसन क्या होता है, PHP आर्टिसन एक, जैसे आप लिखोगे PHP आर्टिसन तो कुछ कमांड आ जाती हैं। तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, कुछ भी कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हो, मॉडल बना सकते हो, राउट डिफाइन कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी कमांड इसमें दी हुई हैं, देखो, ये डाउन करने के लिए ENV डिस्प्ले द करेंट फ्रेमवर्क इन्वायरमेंट। तो ये सारी चीज़ें, आप कुछ भी ऑथेंटिकेशन बनाना है, ऑथेंट क्लियर करना है, कैसे क्लियर करना है, क्लीन करना है, कुछ सीडर बनाने हैं आपको, कुछ भी, देखो मेक कमांड बनानी है, ये सारी चीज़ें आपकी दी हुई हैं यहाँ पे। डेटाबेस माइग्रेट करना है, सेशन बनाना है, सेशन टेबल बनानी है, डंप बनाना है, व्यू कैसे करना है, लेकिन अभी हम इसको धीरे धीरे बताएंगे आगे की वीडियो में। अभी हम इतना बताते हैं कि जो PHP आर्टिसन सर्व है उसकी कमांड देखो, ये लिए जो क्या करता है, सर्व द एप्लीकेशन ऑन द PHP डेवलपमेंट सर्वर। जैसे लिखोगे PHP आर्टिसन सर्व, पोर्ट स्टार्ट कर दिया, ये रन हो गया। तो ये तो हो गया आपका जो पोर्ट का, पोर्ट के थ्रू जो चलाते हैं वो। अगर आप चाहते हो अपनी एप्लीकेशन को डायरेक्ट चलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने उसके अंदर चले जाओ जो डायरेक्ट फोल्डर है, उसके बाद उस फोल्ड लोकल होस्ट, उसके बाद आपने प्रोजेक्ट का नेम, उसके बाद जब भी कॉल करते हैं तो हमेशा इंडेक्स फाइल कॉल करते हैं, तो इसकी इंडेक्स फाइल जो होती है वो होती है आपकी पब्लिक के अंदर जाके। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा पब्लिक, उसके बाद इंडेक्स। अब जैसे ही रन करोगे तो ये देखो आपका लारावेल भी डायरेक्ट रन हो गया है। आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको बार बार कोड पब्लिक ये सब लगाना पड़ेगा, वरना आपको STAccess से पब्लिक गायब करना पड़ेगा, फिर आप डायरेक्ट रन कर सकते हो इसको ऐसे। ठीक है, चलो ये तो तरीका हो गया दूसरा वाला। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो आप जैसे इसको कोड देखोगे, इतनी सारी फाइलें डाउनलोड हो जाती हैं ये सब। तो जो हम कॉमनली यूज़ करने वाले हैं हम उनको ये एक्सप्लेन करेंगे, बाकी तो इसमें बहुत सारी हैं, बहुत टाइम लग जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैप से। तो ऐप के अंदर आप ये देख रहे होगे कंसोल, एक्सेप्शन, HTTP, मॉडल प्रोवाइडर। तो हम एक एक करके बताते हैं। कंसोल, कंसोल के अंदर क्या होता है, kernel.php। ये क्या काम करती है, जैसे आपने हमने लिखा था PHP आर्टिसन, तो ये कुछ कमांड बन जाती हैं। अगर आप अपनी खुद की कमांड बनाना चाहते हो, कि आप कुछ भी कुछ राउट क्रिएट करना, या आप कुछ एक कमांड बनाना चाहते हो जो कमांड कुछ भी क्रिएट एक्शन परफॉर्म कर रही हो मतलब, तो वो कमांड आप अपने कस्टम कमांड यूज़ कर सकते हो यहाँ पर लिख के। ये बेसिकली कमांड के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक्सेप्शन, आपको अपने कोड के कुछ एक्सेप्शन केसेस वगैरह लिखने हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, उनको रजिस्टर कर सकते हो आप। उसके बाद आता है HTTP में क्या होता है, आपके कंट्रोलर होते हैं, मिडिलवेयर कंट्रोलर, आप अपना कुछ भी कंट्रोलर बनाना चाहते हो वो आप यहाँ पर बनाओ। उसके बाद आता है मिडिलवेयर, मिडिलवेयर क्या करता है, पहले मैं बताता हूँ मिडिलवेयर काम क्या करता है। जैसे आपने कुछ भी कंट्रोलर बनाया है, आप चाहते हो कि मेरा ये फंक्शन कंट्रोलर का रन होने से पहले कुछ मैं उसकी परमिशन चेक कर लूँ, कि वो लॉगिन होना चाहिए, या फिर किसी ने कुछ नंबर डाला है वो नंबर ग्रेटर देन इतना होना चाहिए, या कुछ भी आप जो कंडीशन देना चाहते हो कि कोई यूज़र आया उस यूज़र को पहले हम चेक कर लें कि ये एक्टिव है या नहीं है, तो इस टाइप की कुछ भी कंडीशन आप देना चाहते हो तो वो आप मिडिलवेयर में डाल सकते हो। उसके बाद कर्नल, आपके मिडिलवेयर जो होते हैं उनको रजिस्टर करने का काम आता है, ये देखो जितनी मिडिलवेयर हैं उनको रजिस्टर करता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मॉडल, मॉडल क्या करता है, आपके डेटाबेस में कुछ भी वैल्यू इंसर्ट करनी है या डेटाबेस से कुछ वैल्यू फैच करनी है, अपडेट करना, डिलीट करना, मतलब डेटाबेस से जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो सारे आप अपने मॉडल के अंदर लिख सकते हो, वैलिडेशन से लेके इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ये सारी चीज़ आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो।
कि कितने फील्ड हमें इंसर्ट कराने हैं, कितने हमें जब फैच कराने हैं तो गायब रखने हैं, तो ये सारी कंडीशन आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद आता है प्रोवाइडर। प्रोवाइडर जैसे कि राउट्स प्रोवाइडर होते हैं, कुछ ऑथेंटिकेशन के लिए होते हैं, आप अपने खुद के प्रोवाइडर लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो उनको। उसके बाद आता है आपका एक बूटस्ट्रैप। जब भी हम पेज को रन करते हैं तो ये देखते हैं बूटस्ट्रैप से वाइंड अप होती है फाइलें, तो ये कैसे होती हैं, तो ये सारी क्या होता है ऐप डॉट पी एच पी के पास आता है और ये वाली फाइल रन करता है, तब ये सारी चीज़ें सिंगल रन में देख रहे हो पैटर्न फॉलो करके उसको रन करता है। कैसे आप जैसे जैसे काम करते जाओगे आपका कैसे बनता जाएगा वो यहाँ पर स्टोर होता जाएगा। अब ये फाइलें हैं। उसके बाद आती है कन्फिग। कन्फिग इसमें बहुत सारी कन्फिग हैं आपकी, ऐप की, ऑथ की, कोर्स की, डेटाबेस की, फाइल सिस्टम की, हैशिंग की, लॉगिन के लिए, मेल के लिए, सर्विस के लिए, सेशन के लिए, ये कन्फिग हैं। आप यहाँ पर जाकर उनका चेंज कर सकते हो आपको जिस हिसाब से कन्फिग जो भी सेट करनी है। जैसे हमने सेशन की खोल ली तो सेशन का टाइम आउट कितना होना चाहिए, एक्सपायर कब होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ इंस्टॉल होना चाहिए, कौन सी टेबल में जाना चाहिए, तो ये सारी जो भी इन्फॉर्मेशन है आपके आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो कन्फिग के थ्रू। उसके बाद आता है डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर होती हैं फैक्ट्रीज, माइग्रेशन, सीडर। तो आपके जो भी जैसे माइग्रेशन वगैरह बनते हैं, माइग्रेशन होते क्या मैं एक बार बता देता हूँ, वैसे आगे आने वाली वीडियो में भी हम एक्सप्लेन करेंगे पर छोटा सा एक ओवरव्यू मैं बता देता हूँ माइग्रेशन क्या होता है। जब भी आप माइग्रेशन बनाते हो, माइग्रेशन का मतलब ये है कि आपकी एक टेबल बना दी जाती है जो यहाँ पर स्टोर होती है। उसके बाद आप जैसे ही रन करोगे पी एच पी आर्टिसन माइग्रेट करोगे आप, तो जो ये आपके जो कोड लिख रहा होगा एक टेबल बनी हो, ये टेबल है उसके अंदर कुछ फील्ड है, जैसे आप करोगे तो आपके डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट हो जाएगी, मतलब माइग्रेट हो जाएगी। तो इसलिए वो यूज़ करते हैं, आप अपनी एप्लीकेशन को किसी और को देना चाह रहे हो और उसके पास क्या कहते हैं ये टेबल है नहीं, तो आप उसको इंपोर्ट करके देने की ज़रूरत नहीं है, आप वो सीधा अपना माइग्रेट करेगा, तो जो जो आपने टेबलों का माइग्रेशन बना रखा होगा वो सारी उसके डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो जाएंगी। फिर उसके बाद आता है सीडर। अब मान लो टेबल तो क्रिएट हो गए, अब आप चाहते हो जैसे हमने एक टेबल बनाई यूज़र के, और आपकी एप्लीकेशन जब ही रन होगी जब उसके अंदर कुछ यूज़र नेम और पासवर्ड पड़ा होगा, तो उस केस में आप चाहते हो कि टेबल क्रिएट हो उसके साथ कुछ एक वैल्यू भी उसके अंदर इंसर्ट हो जाए, एक दो तीन जितनी भी आप चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सीडर बनाने पड़ेंगे। तो हम एक सीडर बना लेते हैं, जैसे कि हमने एक यूज़र की टेबल बनाई और हम चाहते हैं उसमें यूज़र का नेम ए बी सी डी और पासवर्ड ए बी सी डी एट द रेट 123 ये इंसर्ट हो जाए, तो उस केस में आप सीडर बना सकते हो। जैसे आप सीडर को यहाँ से रन करोगे वो वैल्यू उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी टेबल के अंदर। तो ये हो गया डेटाबेस। उसके बाद आते हैं पब्लिक। पब्लिक मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि हमारा जो एप्लीकेशन है सबसे पहले जो कोड आता है वो हमारा यहीं पर आता है इंडेक्स डॉट पी एच पी पर, उसके बाद जाता है वो इधर उधर, ठीक है। इसके अंदर ये एच टी एक्सेस फाइल होती है, आप यहाँ पर रिराइट इंजन रूल्स या कुछ भी यूआरएल का जो नेम रिनेम करना चाहते हो वो सारी कंडीशन आप यहाँ पर दे सकते हो। उसके बाद आता है रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज में क्या होता है कि आप अपने जो सी एस एस लिखते हो, जी एस लिखते हो, वो सारे आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। इस वाले फोल्डर के अंदर सी एस एस डाल सकते हो, यहाँ पर आप अपनी जी एस डाल सकते हो। अब इसके अंदर एक होता है व्यूज़। व्यूज़ क्या काम करता है, जो आपके जो यहाँ पर एप्लीकेशन जो दिख रहा है वो आपका व्यू के अंदर होता है, जो कि ये ब्लेड व्यू इंजन यूज़ करते हैं इसके अंदर ब्लेड। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंज कर देता हूँ, लारावल 8 कर देते हैं, हम 8 वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे मैं इसको रन करूँगा तो ये देखो ये 8 हो गया, तो आपके जो व्यू की फाइलें हैं वो यहाँ पर बनती हैं। ये हो गया आपका रिसोर्सेज का काम। अब आते हैं हम राउट्स पे। तो राउट्स में ये देखो कुछ फाइलें होती हैं, ऐप, चैनल, कंसोल। तो इसमें जो आपको राउट डिफाइन करने होते हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए वो वेब में यूज़ कर सकते हो आप, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, जो भी हैं पैच, ये आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप एपीआई बना रहे हो तो एपीआई के केस में आपको एपीआई डॉट पीएचपी में लिखना पड़ेगा, तो वो एपीआई में। तो इसमें सबसे सही चीज़ यही है कि एपीआई के लिए आप अपना अलग राउट्स बनाओ, और वेब एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसके लिए आप अपने अलग बनाओ। उसके बाद हम आते हैं स्टोरेज में। आपके कुछ भी स्टोरेज वगैरह यूज़ करनी है, रेडिस वगैरह, वो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। टेस्ट का इतना आप ध्यान मत दो। वेंडर, हाँ वेंडर पर हम बताते हैं। अब जब भी कंपोजर इंस्टॉल करते हो तो क्या करता है, वो ऑटोमेटिक वेंडर नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर देता है। उसके अंदर आपके इस एप्लीकेशन को रन करने में जितनी भी डिपेंडेंसी की ज़रूरत होती है वो सारी इंस्टॉल कर देता है यहाँ पर, देख रहे हो।
और जो इसकी जो डिपेंडेंसी है वो कहाँ पर होती हैं, वो होती हैं कंपोज डॉट पी एच पी में। आप जब भी एक एप्लीकेशन को किसी को जो ये वाला कोड है किसी और को देना चाहते हो, तो आप ये वाला फोल्डर वेंडर वाला नहीं दोगे, तो उसके सिस्टम में आएगा कैसे? तो वो सिस्टम जब भी करेगा कंपोजन इंस्टॉल, तो उसके सिस्टम में सारी डिपेंडेंसी आ जाएगी। अब दूसरी चीज़, आपने आप सोचोगे कि यार ये वाली डिपेंडेंसी कैसे पहुंच जाती हैं, तो जो डिपेंडेंसी होती है वो लिखी होती है यहाँ पे कंपोजर डॉट जेसन के अंदर। तो आप यहाँ पर जितनी भी डिपेंडेंसी आप लिख दोगे, तो यहाँ पहले तो वेंडर वो क्रिएट करेगा यहाँ पे, फिर उसके बाद एक एक करके यहाँ से वो डिपेंडेंसी को देखेगा कि इसके पास ये है, ये वाली डिपेंडेंसी भी है, ये वाली भी है, लारा वाली भी है, ये वाला फ्रेमवर्क है, जो भी है वो उनको इंस्टॉल करता जाएगा इसके अंदर। तो ऐसे करके ये काम करता है। इसके बाद आते हैं हम डॉट ई एन वी फाइल। डॉट ई एन वी फाइल क्या करती है, जो इसके कुछ फंक्शन होते हैं लारावल के अंदर के वेरिएबल, उनको ओवरराइड करने काम आते हैं उसके। जैसे डेटाबेस का नेम हो गया, डेटाबेस का यूज़र नेम, पासवर्ड, या आप अंदर वाली फाइल में भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो हम बाहर से ओवरराइड करते हैं, तो आप डॉट ई एन वी फाइल में लिख सकते हो और उनको ओवरराइड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, फिर है इसमें पैकेज हो गया, वेब पैक हो गया, ये आपको ज़रूरत जब पड़ती है आप रिएक्ट या कुछ कुछ जी एस के कुछ भी फ्रेमवर्क वगैरह यूज़ करने वाले हो, लाइब्रेरी यूज़ करने वाले हो एंगुलर वगैरह, तो तब आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा। तो बाकी हमने देख लिया इसका क्या क्या यूज होता है डायरेक्टरी का, अब बाकी हम आगे की वीडियो में देखते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।